नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी सैमसंग का मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में आप कई सारे कॉन्टेक्ट नंबर तो सेव करके रखे ही होंगे, तो दोस्तों अगर आपने जो भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर रखा है वो गलती से डिलीट हो जाता है या फिर खुद से ही आपने कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर को डिलीट कर दिया, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपके डिलीट हुए कॉन्टेक्ट नंबर वापस आप ला सकते हैं। जो भी आपने नंबर डिलीट किया है उसको आप सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूं, दोनों ही ट्रिक से आप अपना डिलीट हुआ मोबाइल नंबर वापस ला सकते हैं। दो ट्रिक मैं इस वीडियो में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सैमसंग का आपके पास में जो मेरे पास मॉडल नंबर है वो मॉडल ना होकर कोई दूसरा मॉडल होगा, इसीलिए मैं दो ट्रिक बता रहा हूं। दोनों ही ट्रिक से आपका नंबर वापस आ जाएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, 101% आपका जो भी डिलीट हुआ मोबाइल नंबर वो वापस आ जाएगा। यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर मैं डिलीट करके वापस आपको रिकवर करके दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर मैं अभी अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट को ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देखिएगा एयरटेल और मिस्टर भारत, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ। इन दोनों ही मैं नंबर को डिलीट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इन दोनों ही मोबाइल नंबर को डिलीट कर देता हूं। डिलीट पे क्लिक किया और यहां से मैंने मोबाइल नंबर को डिलीट कर दिया, ठीक है। रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको थ्री डॉट मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर ऑप्शन मिलेगा ट्रेस का, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जो भी आपने मोबाइल नंबर डिलीट कर रखा होगा वो यहां पर शो करेगा। ओल्ड कोई पहले कोई मोबाइल नंबर डिलीट करा वो भी यहां पर आपको शो करेगा। यहां से भी आप इसको रिकवर कर सकते हो। ये जो ट्रिक है हर एक सैमसंग के मोबाइल फोन में काम नहीं करता है क्योंकि अलग अलग मॉडल नंबर होता। अगर ये ट्रिक आपके मोबाइल फोन में काम करा तो यहीं से आप इसको रिकवर कर लीजिए। अब जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं उस मेथड से किसी भी सैमसंग के मोबाइल फोन में अगर आपका नंबर डिलीट हुआ उसको आप सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हो। यहां पर आप नाम देख लीजिएगा, मनीष यूपी लिखा हुआ, ऊपर के सारे कॉन्टेक्ट मैंने दो डिलीट किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आना है। क्रोम ब्राउजर में आपको यहां पर सर्च करना है गूगल कॉन्टेक्ट्स। यहां पर ये सर्च कर लेना है, यहां पर आपको गूगल कॉन्टेक्ट्स का वेबसाइट मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहां पर आपको मिलेगा थ्री लाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर ट्रेस या फिर बिन का ऑप्शन भी मिल सकता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस ईमेल आईडी पर अपना जो नंबर है वो आप सेव करते हैं, जैसे कि यहां पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस ईमेल आईडी पे अपना मोबाइल नंबर सेव कर रहे वही ईमेल आईडी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी। मैंने ऑलरेडी वही ईमेल आईडी सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर थ्री लाइन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहां पर ट्रेस में जाना है, ठीक है। ट्रेस में जाने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डिलीट किया होगा वो यहां पर शो करेगा, जैसे कि मिस्टर भारत यहां पर है और यहां पर एयरटेल लिखा हुआ है। इन दोनों ही नंबर को मैं अभी आपको रिकवर करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने इसको रिकवर के बटन पर क्लिक कर लिया। यहां पर जो मेरा सक्सेसफुली जो नंबर है मोबाइल नंबर है वो रिकवर हो गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 30 दिन के अंदर जो भी आपने मोबाइल नंबर डिलीट किया होगा वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, आपका कोई भी सैमसंग का मोबाइल फोन हो, ठीक है। और उसके बाद में चलिए इसको हम काट देते हैं। उसके बाद में यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब जाते हैं हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में और यहां पर आप देख सकते हो कि एयरटेल और मिस्टर भरत जो भी मैंने सेव कर रखा होगा वो सब कुछ यहां पर डिलीट हुआ नंबर वापस आ गया। तो इन दोनों ही मेथड से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल फोन में अपना डिलीट हुआ कॉन्टेक्ट नंबर वापस ला सकते हैं।